Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we are going to create a new HTML and CSS animation project, and that is Tubelight animation. So this is the overview of the project. So how is the project? So this is the project we are going to create with the help of HTML and CSS, and I hope that you have just liked the video and you have just liked the overview of the project and you are interested and exciting about to create this project. Agar aap aisa project banana chahte hain to please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. To chalte hain ye wala hum project banane, aur isko banane ke liye main apna VS Code Visual Studio Code mein HTML को दिखाता हूँ. मैं अपने HTML के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है. यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट ली है. बॉयलर प्लेट के अंदर मैंने लिंक बनाई है. लिंक में मैंने क्या करा है, CSS को लिंक कर दिया. फिर बॉडी के अंदर मैंने H1 टैग लिया है. मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर H1, और यहाँ पर लिख दो dev with Arsalan. एंड यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट लिया है कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल्स टू ट्रू. अब कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल्स टू ट्रू मीन्स के कंटेंट एडिटेबल ट्रू मीन्स कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो एडिट हो सकता है. तो मैं इसको साइमल्टेनियसली इस साइड में खोल लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है. तो कंटेंट एडिटेबल अगर मैं यहाँ से हटा दूँगा, उसको सेव करूँगा, तो देखिएगा इसको हम एडिट नहीं कर सकते अभी. और जब मैं इसके अंदर ये लगाऊंगा तो ये हम इसको एडिट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है कंटेंट एडिटेबल ट्रू करने का फ़ायदा. तो डिफ़ॉल्ट में फॉल्स रहता है. कंटेंट एडिटेबल ट्रू लेने से ये जो है कंटेंट हम एडिट कर सकते हैं. अब सवाल आता है कि हम CSS में क्या करेंगे. CSS को मैं पहले तो लिंक करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा style.css. बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी CSS लिखना स्टार्ट करूँगा. तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर पूरी CSS को मार्क कर लूँगा, और मार्क करने के बाद पूरी CSS हटा दूँगा और इसको सेव करूँगा. तो देखिए कि यहाँ से पूरी CSS हट गई है, और हमारे पास क्या आया है, हमारे पास HTML लिखी हुई है और वो लिंक्ड कैसे है CSS. तो अब यहाँ से अगर मैं शुरू से CSS लिखना शुरू करूँ तो हम लिख सकते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं हटाता नहीं हूँ और कमेंट आउट कर देता हूँ इनफैक्ट, ताकि हमारे पास पहला ही वाला कोड और नया वाला कोड दोनों हो. तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया पूरे सेक्शन को, और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा अपनी CSS लिखना. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूँगा P0, यूनिवर्सल पैडिंग इज 0, यूनिवर्सल मार्जिन इज 0, बॉक्स साइजिंग यूनिवर्सली इज बॉर्डर बॉक्स. सो ये हमारा कोने में जाकर चिपक गया है. फिर उसके बाद बॉडी को मैं बनाऊंगा डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट बी सेंटर मिन हाइट 100 VH. width 100 VW, एंड बैकग्राउंड कलर मैं इसको दूंगा BGC, और ये दूंगा मैं RGB और ब्लैक दे देता हूँ. और ब्लैक देने के बाद मैं इसको RGB कलर दे दूंगा यहाँ से. तो इसको मैं इतना डार्क कलर दूंगा ये. तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले कलर से मैच करे, बट ये मैं एक रैंडम कलर ले रहा हूँ. हमें कलर पे वैसे भी फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है अपने लॉजिक पे. तो इतने CSS लिखने के बाद मैं चलता हूँ अपने H1 के अंदर. H1 को मैं बना दूँगा लेटर स्पेसिंग कर दूँगा इसकी 5 pixels, फॉन्ट साइज 5 em. ओके, एंड वेब किट टेक्स्ट रिफ्लेक्ट बॉक्स रिफ्लेक्ट सॉरी
तो वेबकिट रिफ्लेक्स रिफ्लेक्ट बॉक्स रिफ्लेक्ट जो है वो डाल दो, वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्ट इज बिलो -5 pixels, लीनियर ग्रेडियंट ग्रेडियंट, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा ट्रांसपेरेंट, एंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंट के बाद मैं बोलूँगा कि ये वाइट। इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर नीचे हमारी एक ट्रांजिशन बनी हुई आ गई है। हाउएवर मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा। तो ये देखिएगा आप, इसकी ओपेसिटी कम हो गई है। अब इसका कलर जो है मैं वाइट रखना चाहूँगा, ये वाइट रख दिया। और इसको वाइट रखने के साथ साथ ही मैं यहाँ पर एनिमेशन डालूँगा, एनिमेशन, और इसका नाम रखूँगा एनिमेट। एनिमेट के साथ साथ मैं इसके अंदर बोलूँगा कि 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट, ओके। एंड इसके साथ साथ तो मुझे ये की फ्रेम्स के साथ की फ्रेम्स भी लिखना होगा, जिसका नाम मैं एनिमेट दूंगा फोर्स। और यहाँ पर 0% पे, 0% पे कर दो कुछ, और यहाँ पर 100% पे भी कर दो कुछ। अब 100% और 0% पे मुझे सबसे पहले यहाँ पर कलर जो है, कलर RGB ये वाला कलर लेंगे हम, और यहाँ पर 100% पे RGB सॉरी इसके अंदर कलर डायरेक्ट वाइट ही ले लेते हैं, कलर वाइट। अभी देखिएगा ये हमारा चल रहा है, और इसको मैं ट्रांजिशन दूंगा, ट्रांजिशन ट्रांजिशन जो दूंगा वो दूंगा मैं 0.5s। तो ये सेव करने के बाद हमारा कुछ ऐसा चलने लगा, ओके। नाउ अब मैं इसके अंदर बॉक्स सॉरी टेक्स्ट शैडो नन कर दूंगा, और इसको देखाऊं तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ करनी होगी कि इसकी जो आउटलाइन है उसे भी नन करना होगा, आउटलाइन नन, जिससे ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है वो हट जाए। तो आउटलाइन नन कर देता हूँ मैं, और अब देखेंगे तो ये बॉक्स हमारा नहीं आएगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट शैडो नन कर दी है, और मैं 100% पे टेक्स्ट शैडो को चाहता हूँ, तो टेक्स्ट शैडो कर दो हमारी 0 0 10 pixels एक्वा। एक्वा करने के साथ साथ मैं इसको 5 बार यही चीज़ लिखूँगा, बट साइज बढ़ाता जाऊँगा, पी कंट्रोल वी। अब 5 बार लिख दिया है मैंने, और यहाँ पर मैं इसकी जो साइजेस है वो चेंज करता जाऊँगा। यहाँ पर 10 की जगह मैं 50 दे दूँगा, और यहाँ 10 की जगह मैं 100 दे दूँगा, और यहाँ 10 की जगह मैं 150 दे दूँगा, और यहाँ 10 की जगह मैं 200 दे दूँगा, और इसको सेव करूँगा। तो ये हमारा यहाँ पर चलने लगा है। और अभी मैं इसके साथ साथ जो है क्या करूँगा कि जो हमारा ये है इसको थोड़ा सा और चेंज करूँगा मैं, और वो मैं कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये 0% है, तो मैं इसको 10% 30 40% एक रैंडम सी कोई सी भी वैल्यूज ले लेते हैं जो 100 से छोटी हैं, और 75% 90% अब ये चीज़ मैं यहाँ पर भी चेंज करूँगा, और ये ज़ीरो के साथ साथ मैं ज़ीरो के बाद इसे बोलूँगा 100 से पहले 20% फिर उसके बाद 50%
60 के बाद 70% 85% एंड 95% यहाँ पर 15% एज वेल। तो अभी देखिए हमारा, तो ये देखिएगा ये ट्यूबलाइट की तरह ये जलने लगा, लिट करने लगा इनफैक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या करा, मैं इसको फुल स्क्रीन पे चला के आपको दिखाऊँ अभी। तो ये देखिएगा जो हमने जैसे हमने प्रोजेक्ट को टारगेट किया था ये वैसे ही वर्क कर रहा है, ट्यूबलाइट की तरह वर्क कर रहा है। सो हाउ इज़ द प्रोजेक्ट नाउ, हाउ इज़ द प्रोजेक्ट नाउ। सो फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब, फॉर सच कंटेंट, ओके सब्सक्राइब फॉर सच कंटेंट गाइज। इफ यू हैव लाइक दिस प्रोजेक्ट आई विल ट्रूली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड बुकमार्क द प्लेलिस्ट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर लाइकिंग सच ट्यूटोरियल्स ऑफ HTML एंड CSS एनिमेशन। यहाँ पर हमारा जो ट्यूटोरियल है वो ख़त्म होता है। आपको मैं सोर्स को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस चीज़ इस पूरे कोड का जो सोर्स कोड है वो पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट बनाया है, अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग इट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।